हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में बहुत कुछ होने वाला है। एंड गाइस, हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ़ यू। तो आज के व्लॉग में बहुत सारी मस्ती धमाल सब कुछ होने वाला है, काफ़ी कुछ होगा। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर लाइक ऑल्सो, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे आज के व्लॉग में आप लोगों को। तो चलिए फटाफट से काम निपटा लेते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ मिट्टी के गौरा गौरी। हमारे साइड में, मतलब यूपी साइड में, गौरा गौरी बनते हैं। वैसे तो ये गाय के गोबर के बनते हैं, बट यहाँ गाय का गोबर अभी अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं मिट्टी के बना लेती हूँ। मैंने स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट करवा चौथ से ही मिट्टी के ही बनाए हैं, तो अब मैं हमेशा मिट्टी के ही बना लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने गौरा और गौरी बना लिए हैं। कह दे रही हूँ उससे, आरव हम लोग जरा कुछ सामान लेने जा रहे हैं। आप ना विनीता आंटी क्या जाओगे, मैं बोल के आई हूँ। विनू आंटी वहाँ चली गई है, मामा अभी अकेली है। हमें अभी आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाय, बोल दिया मैंने उसको। अभी हम जा रहे हैं मेरा करवा लेने और करवा चौथ का कैलेंडर लेने। अभी और जो सुहाग का सामान उसमें रखा जाता है पूजा में, मैंने वो भी नहीं लिया था, तो वो सारा सब कुछ हम आज ही लेंगे। हमारी सोसाइटी में जो एक शॉप है वहाँ पे गोभी वगैरह नहीं थी, मुझे आज सोच रही हूँ मिक्स वेज और मटर पनीर बनाने का, तो बस वही सब की तैयारी चल रही है। शी इज़ माई फ्रेंड। हाय। तो अभी हम अचानक से यहाँ मिल गए हैं। ओके, अभी मैं यहाँ मेकअप का सारा सामान लेने आई हुई हूँ। चलो मैं ले लेती हूँ। ओके ओके, बाय बाय। सभी हम लोगों ने करवा ले लिया है, कैलेंडर ले लिया है, सब्जी भी ले ली है, एंड जो मेकअप का सामान लेना था श्रृंगार का, जो पूजा में रखा जाता है, वो भी हमने ले लिया है। और मैं आपको जब तक मेरे से मिठाई लेकर आ रही है, तब तक मैं आपको अपना करवा दिखा देती हूँ। ये जो कुर्ता है ना, ये आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, ये शायद आपने जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो उन्होंने तो देखा होगा। इसका हॉल मैंने शेयर किया था लास्ट ईयर किया था मैंने, फेस्ट के कुर्ता हॉल ऐसा कुछ, तो उसमें ये वाला कुर्ता मैंने दिखाया था और इसका लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैंने आज जो जूतियाँ पहनी है ना, वो भी मेरी मिंत्रा से ही है, तो इनका लिंक भी मैं रक्षाबंधन वाली वीडियो में दे चुकी हूँ, तो अगर आपको अच्छी लगती है वहाँ से परचेज कर सकते हैं। प्लेस में आ रही है, यही है ना छोटे वाले। परमेश्वर जो कि मेरी कुकिंग में हेल्प करवा रहे हैं, आज इनकी छुट्टी है और ये अभी शॉपिंग कर रहे हैं, इसके बाद मैं फटाफट से कुकिंग शुरू कर दूंगी। और मटर पनीर एंड मिक्स वेज आज बना रही हूँ मैं, तो बस अभी हम लोग मार्केट वगैरह करके आ गए हैं। अब मैं कुकिंग करने के बाद नहा धो के फिर रेडी हुई हो जाऊँगी।
व्लॉग के लिए कुछ डेकोरेशन भी की है जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। देखिए मैंने इस तरीके से आर्टिफिशियल गार्लैंड्स लगाई है, पीढ़ा रखा है और ये अमेज़न से कुशन कवर्स मंगाए थे, कलरफुल बहुत सुंदर लगते हैं फेस्टिव टाइम में। एंड ये पॉम्पम्स वाले जो गार्लैंड्स होती हैं ये भी बहुत अच्छी लगती हैं, और कुछ मैंने फ्लोटिंग वाले लोटस भी लगा दिए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने एक बैकग्राउंड तैयार कर लिया है जहाँ पे हम अपना फ़ोटो शूट करेंगे, मैं और मेरी फ्रेंड्स। एंड आपको ये डेकोरेशन कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। एंड इस डेकोरेशन के लिए गाइज एक लाइक ज़रूर से बनता है, तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाक से कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती हूँ और भी बहुत सारी वीडियोस भी बनाती हूँ, तो आप मेरे एक चैनल पर एक बार विजिट जरूर करिएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने डेकोरेशन किया है, कलरफुल थीम रखी हुई है। एंड अभी जो मेरी फ्रेंड्स आएंगी रात में देखना, वो लोग भी थोड़े कलरफुल ही हम लोग सारे जो अपना ड्रेसेस वगैरह पहनेंगे वो इसी तरीके से हैं। तो और ये देखिए मैंने इस तरीके से दुपट्टे से टेबल क्लॉथ बनाया है, बस कुछ नहीं, कोई सिलाई विलाई भी नहीं करनी है, ऐसे ही फोल्ड करके डाल देना है, बहुत सुंदर लगता है। इस टाइप के दुपट्टे अगर आपके पास है तो इस टाइम मतलब फेस्टिव टाइम में यूज़ कर सकते हो। एक्स्ट्रा कुशन कवर था जिसको मैंने इस तरीके से शेप में डाल दिया है, फ्लावर पॉट रख दिया है। ये कुशन कवर भी मेरे अमेज़ॉन से हैं, तो किसी भी चीज़ का लिंक अगर आपको चाहिए आप कॉमेंट डाउन ज़रूर कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। और ये रंगोली है, ये भी बहुत सुंदर लगती है, आप इसको कैसे भी लगा सकते हो। लास्ट वाले व्लॉग में, मंदिर वाले व्लॉग में भी मैंने आपको दिखाई थी इसको मैंने। हे एवरीवन, अभी मैं नहा के आ गई हूँ, फटाफट से मैं रेडी हो लेती हूँ, रेडी होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ अपने करवा चौथ लुक के साथ। मैं यूं गई और यूं आती हूँ फटाफट से तैयार होके। तो फाइनली तैयार होने के बाद मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, पोस्टर लगा रही हूँ। पोस्टर को स्टिक करने के बाद अपना जो नीचे बैठने का और जो गौरा गौरी है मेरे सूख गए हैं उनको स्थापित करने के लिए लाल कपड़ा जो बिछाते हैं वो सारा मैं अच्छे से बिछा लूँगी। बीच बीच में अपने हस्बैंड को इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, वीडियो यहाँ से बनाओ, आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, कुछ तय नहीं जाना चाहिए। तो गाइस इस तरीके से मैं सतिया बना लूँगी, उसके ऊपर ये चावल का वो लगाते हैं ना ढेर, उसके ऊपर इनको अच्छे से विराजमान कर दूँगी अपने गौरा और गौरी को। तो धूप बत्ती फटाफट से लगाऊंगी और सारी चीज़ें जैसे होती हैं वैसे ही करेंगे। हमारे यहाँ करवा चौथ में सारा मेकअप का जो सामान होता है, 16 श्रृंगार जिसे बोलते हैं, वो सब रखा जाता है, उसका भी पूजा अर्चना होती है। उसके बाद वो हम किसी अपने बड़े और जो सुहागन कोई होती है उसको देते हैं। तो ये देखिए फटाफट से मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ और मैं पूजा जो है फटाफट दिखाऊँगी आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, जल्दी जल्दी फास्ट करके दिखा दूँगी, प्लीज़ डोंट माइंड। एंड गाइज आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा मैं इस लुक में कैसी लग रही हूँ, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। और ये मैंने बरेली से लिया था, अभी का नहीं है, पुराना है। और ये जो दुपट्टा है ऊपर से मैंने डाल रखा है, ये हमारा शादी का दुपट्टा है। एंड हमारे शादी का दुपट्टा मतलब हर एक अच्छे उसमें पूजा में या हवन में कुछ भी होता है तो पहनना होता है, तो यहाँ पर मैंने अपने शादी का दुपट्टा ये डाला हुआ है, मेरे लहंगे के साथ का है। और कितने अच्छे से गौरा गौरी बने हुए हैं, सूख गए हैं प्रॉपर, तो मेरी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। ददामी रत्न संयुक्तों में पति इति मंत्रेण कर्कांत पंडादिते सत्तम सुवासिनी वदयो ददाश अदातव्य एवं एवं व्रतम्यां कुरुते नारी सौभाग्य काम्याय सौभाग्य पुत्र पौत्रादि लभते संस्थियां श्रियम। कार्तिक वदी चौथ को करवा चौथ कहते हैं, इसमें गणेश तो आ गई हैं सारी मेरी फ्रेंड्स मेरे घर रेडी होने के लिए। मीनू दीदी एंड भारती दीदी
और इधर है मनीता दीदी, हम सारे लोग रेडी हो गए हैं फोटोशूट के लिए। हम लोग फोटोशूट कराएंगे, उसके बाद कुछ होगा आगे, चांद जब निकलेगा तब तक हम लोग यही सब करने वाले हैं, बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे, इस तरीके से हम अपना करवा चौथ सेलिब्रेट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। तो स्टार्ट हो चुका है हमारा फोटोशूट। फोटोशूट के लिए जो कैमरा मैन है वो है मेरे हस्बैंड, जो कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो चुके हैं मेरी पिक्चर्स क्लिक कर कर के। तो और बात बाकी ये दोनों लोग भैया लोग हैं, और भारती दी के हस्बैंड एंड विनीता दी के हस्बैंड हैं। पूरे मज़े लेते हैं ये लोग भी, देखिए कैसे मज़े ले रहे हैं। बिना देखे भी खींची। अरे वो उसके एडजस्टमेंट करना पड़ा दिन के हिसाब से, अभी रुके ऊपर से दिखता है नहीं ये फोटोशूट इतनी देर तक चला, हम लोगों को होश भी नहीं था कि चांद निकल आया है। चांद निकल आया था, हम लोग इतने बिजी थे कि कोई फिक्र ही नहीं थी चांद निकले या ना निकले। और चांद आ गया लिटरली, मैं बाद में पता चला काफी देर बाद आ गया है। हम लोग ऊपर जा रहे हैं पूजा करने। हाँ कोई बात नहीं, चश्मे पहने लो। हम लोग रहते हैं 11th फ्लोर पे, जहाँ से कि जो हमारा बैक साइड में पड़ता है फ्लैट, तो वहाँ से चांद नहीं दिखता है, इसलिए हमें 14th फ्लोर पे जाना पड़ रहा है पूजा के लिए। और यहाँ इतना अंधेरा था गाइस कि कुछ भी नहीं दिख रहा, तो जैसा भी वीडियो बनाया है बस वैसा मैंने डाल दिया है, तो सॉरी। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पे तो मैं अपनी लाइट्स भी नहीं लगा सकती थी। तो बस फटाफट से यहाँ पे हमने पूजा निपटाई अपनी, और मेरे हस्बैंड ने मेरा फास्ट खोला, पानी वानी पिलाया, मिठाई खिलाई, उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे। तो मीनू दीदी चेंज करके भी आ गई हैं, और मीनू दीदी मेरे लिए क्या क्या लाई हैं, क्या क्या है इसमें? बर्फी है, खीर है प्रसाद की, और एक तुम्हारे जैसा रोज है। मेरे जैसा रोज है? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। चलो ओके बाय, गुड नाइट। तो आज का हो गया हमारा करवा चौथ फाइनली। अभी खाना वाना खाएंगे हम लोग और फिर सो जाएंगे, इसलिए अभी मैं आपको बाय बोल रही हूँ। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, डेकोरेशन कैसी लगी बताना, और मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।